हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, फतेहाबाद में नई भर्ती निकली है, इसमें 85 पद है और योग्यता इसकी ITI है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी था वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज़ सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, यहाँ पे फतेहाबाद की भर्ती की बात कर हो रही है तो आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है फतेहाबाद से जुड़ा हुआ। फतेहाबाद शहर कब बसाया गया था, और दूसरा फतेहाबाद ज़िला कब बना था। ये दो छोटे छोटे सवाल हैं आपके। वीडियो को एक बार रोक के वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि फतेहाबाद शहर कब बसाया गया था और फतेहाबाद को ज़िला कब घोषित किया गया था। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है नीचे कमेंट करके, ठीक है। और अब दोस्तों देख लेते हैं भर्ती के बारे में। और मेरे पास इन्फॉर्मेशन शेयर की है ईश्वर लोहचा भाई ने, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दोस्तों, जो अप्रेंटिस लगती है ITI कम्प्लीट करने के जो अप्रेंटिस लगती है, इस अप्रेंटिस के दौरान आपको सैलरी भी दी जाती है 10-12 हज़ार रुपये जो होती है। तो यहाँ पे अप्रेंटिस के फार्म निकले हैं कार्यालय सिविल सर्जन फतेहाबाद में। कहाँ पे निकले हैं? कार्यालय सिविल सर्जन फतेहाबाद में आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट दोस्तों देखिए, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है 45 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 15 वैकेंसी है, स्टेनो की यहाँ पर हिंदी के लिए 10 पोस्ट है, स्टेनो इंग्लिश के लिए 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्ट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन की 2 पोस्ट है। टोटल 85 यहाँ पे दोस्तों पद रखे गए हैं। यदि आपके पास ये ट्रेड है और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय सिविल सर्विजन सर्जन फतेहाबाद की रिक्रूटमेंट है या ये अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वेबसाइट से आपको ये फार्म भरना है और 13 तारीख से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। आप 28 अप्रैल तक अपना जो फार्म है वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे फार्म भर के आपको फार्म की फ़ोटोकॉपी और साथ में सभी जो आपके कागज़ है, डॉक्यूमेंट है, इनकी फ़ोटोकॉपी आपको जमा भी करवानी है दोस्तों। क्या है? जमा भी करवानी है कार्यालय सिविल सर्जन फतेहाबाद में, ठीक है। और 28 तारीख लास्ट डेट है दोस्तों। यहाँ पे कुछ बच्चे अप्रेंटिस को जॉब नहीं बुलाते हैं, तो दोस्तों कोई बात नहीं है, अप्रेंटिस भी आजकल एक जॉब के बराबर ही है, क्योंकि 12 हज़ार के 10-12 हज़ार रुपये आपको सैलरी दी जाती है तो वो एक जॉब के बदले में ही दी जाती है, ठीक है दोस्तों। और मेरिट बेस पे आपका जो है एडमिशन यहाँ पे जो सिलेक्शन है किया जाएगा, ठीक है, फतेहाबाद में। दोस्तों, आप किस प्रकार की जॉब पाना चाहते हैं, किस प्रकार की जॉब के तलाश में हैं, आप किस शहर से हैं, आप किस ज़िले से हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपकी जॉब योग्यता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।